भाजपा में फिर आई गुटबाजी सामने। नगर पालिका के कार्यक्रम से नगर पालिका अध्यक्ष ही वापिस लौटी। मंच पर स्थान न मिलने से जुड़ा है पूरा मामला। कार्यकर्ताओं का अपमान करके कैसे जाएगी भाजपा नगरीय चुनाव में। प्रस्तुत है गंज वासोदा से एलन चौबे की एक रिपोर्ट। लगता है कार्यकर्ताओं का अपमान करना भाजपा की पद्धति बन गया है। जी हां, मौका था नगर पालिका परिषद में आयोजित मिशन नगरोदय कार्यक्रम का, जिसमें मंच पर अतिथियों की कुर्सी पर जो पट्टिका लगाई गई उसमें जनपद अध्यक्ष एवं नगर पालिका अध्यक्ष दोनों के नाम नहीं थे, जिसे देखकर पहले जनपद अध्यक्ष कार्यक्रम शुरू होने से पूर्व ही चली गई और फिर नगर पालिका अध्यक्ष ने अपनी नाराजगी जाहिर की और वह भी कार्यक्रम छोड़कर चली गई। और हद की बात तो यह रहे कि ना तो किसी अधिकारी ने व नेता ने उन्हें रोकने और समझाने का प्रयास किया। इससे साफ समझ आता है कि भाजपा में गुटबाजी चरम पर है, नहीं तो प्रदेश स्तरीय इस आयोजन में जिसमें मुख्यमंत्री स्वयं भाषण देने वाले हों और वह सुनाने के लिए एक बड़ी स्क्रीन की व्यवस्था की गई हो, उस आयोजन में भाजपा के कोई भी पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ नेता नहीं थे। ऐसे में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आने वाले नगरीय चुनाव में भाजपा गुटबाजी का पहाड़ सिर पर रखकर कैसे चुनावी रूपी बैतरणी पार करेगी। एवं मीडिया कर्मियों साथियों का मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। एवं भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 2020 को आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर 75 सप्ताह पूर्व से आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय लिया गया है, जो आज इसी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारंभ होगा। तो करने हेतु मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री अतिथियों द्वारा कन्या पूजन किया जा रहा है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि तालियां बजाकर कन्या पूजन में हम सम्मिलित हों। आप 5 साल नगर पालिका अध्यक्ष भी रही हैं, वहाँ पर आज आपको स्थान उचित स्थान नहीं दिया गया, तो क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो यही कहना है कि आज हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज जी चौहान ने इतना अच्छा इतना सुदृढ़ कार्यक्रम रखा, जो हमें बहुत ही गर्व की बात है। लेकिन अभी हम महिला सम्मान समारोह में दिवस मना के निपटे हैं और वहाँ पर हम जनप्रतिनिधियों के लिए यदि स्थान नहीं रहा तो ये हमारे लिए थोड़ी सी दुखद बात है। और साथ ही साथ मेरी एक और बहन जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चूँकि अभी इलेक्शन नहीं हुए हैं तो हम ये मानते हैं कि शायद हम ही अभी हैं, यदि हम वर्तमान में नहीं तो हम पूर्व भी नहीं हुए, क्योंकि जब तक नए चुनाव नहीं होते हैं। तो ये हम लोगों के लिए थोड़ी सी दुख की बात रही है कि हम लोगों के लिए उचित स्थान की व्यवस्था नहीं थी। नहीं, सभी इस चीज़ को लेके दुखी हैं और ज़रूर हमारे वरिष्ठ तक ये बात पहुँचेगी और फिर आप हैं इस बात को पहुँचाने के लिए, ज़रूर आपके माध्यम से ये बात पहुँचेगी। और माननीय शिवराज जी चौहान और जो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर इस चीज़ के लिए करेंगे और जो उनको लगेगा कि ये थोड़ी सी हुई है त्रुटि, उसको आगे के लिए सुधारा जाएगा। क्योंकि प्रतिनिधि हैं हम, बहुत मेहनत से और बहुत सहयोग से ये 5 साल प्राप्त होते हैं हम लोगों को। और मेरा ये मानना है पर्सनली कि हम जब जनप्रतिनिधि हो जाते हैं कि हमें हमारे अंतिम समय तक, क्योंकि हम ये हमेशा देखते आए हैं कि अंतिम समय तक हमें मान सम्मान मिलता है, और अभी तो शायद हमारी गिनती पूर्व में भी नहीं है और वर्तमान में भी नहीं है, तो ये जिसके भी द्वारा हुआ ये थोड़ा सा है दुख का।
मैं तो मौके पर था नहीं, लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि वो नाराज होकर चली गई हैं। अब उसमें क्या प्रोटोकॉल था ये तो देखना पड़ेगा नगर पालिका, भूतपूर्व अध्यक्ष को भी जो वर्तमान अध्यक्ष है उसके हिसाब से प्रोटोकॉल मिलता है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। जनपद अध्यक्ष भी वहाँ पर मौजूद नहीं रही, वो भी कार्यालय छोड़कर चली गई, उसमें क्या कहेंगे सर? तो उसमें भी यही देखना पड़ेगा, अगर मैं वहाँ रहता तो उनको शायद वो व्यवस्था करा देता था।